फ्रेंड्स, आज मैं आपको फटे दूध से पनीर बनाना बताऊंगी, जो कि आप बहुत आसानी से और बिल्कुल मार्केट जैसा बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो इसको कैसे बनाना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और इसका इस पनीर से ही मैंने एक रेसिपी बनाई है, सोफिया पनीर। ये रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से है, तो मैंने इसको पूरा शूट नहीं किया है। और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरा दूध फटने वाला है, तो आप उसका पनीर बना सकते हैं। और उससे आप कई सारी डिशेज भी बना सकते हैं, जैसे मैंने सोफिया पनीर बनाया है, आप रसगुल्ले बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, ताकि आपका जो पनीर है एकदम अच्छा बने, सॉफ्ट बने और स्मूथ हो। और तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको सब कुछ पता चल सकता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कैसे बनाया है मैंने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो के नीचे लाइक के बटन को जरूर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कभी ऐसा हमें लगे कि हमारा दूध फटने वाला है, तो आप उसका पनीर बना सकते हैं। कभी लोग क्या करते हैं कि उसको फेंक देते हैं ख़राब समझ के, लेकिन वो ख़राब नहीं होता है। और कभी गर्मियों की वजह से भी इस तरह से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का हो गया है। तो मैंने उसको गर्म कर लिया है, और हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, उबाल लाना है इसके अंदर। उसके बाद हमें उबालने के बाद क्या करना है कि हमें लेना है लेमन जूस। और यहाँ पे आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लेमन जूस नहीं हो तो आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। विनेगर नहीं हो तो आप कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेमन लिया है। तो अब मैं यहाँ पे बॉयल होने के बाद मैं यहाँ पे लेमन जूस ऐड कर दूँगी। पहले हमें थोड़ा सा ऐड कर लेना है, उसके बाद एक बार चला लेना है। अगर हमें लगे कि हमारा नहीं फटा है तो हम और लेमन का यूज कर सकते हैं, पर मेरा एक बार में ही हो गया है, आप देख सकते हैं। और तो हमने फिर दूसरी बार और लेमन का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी अलग हो गया है, छेना अलग हो गया है। तो हमें इसको एक छन्नी में छान लेना है, और इसको हमें एक बार पानी से वॉश कर लेना है, ताकि जो लेमन का खट्टापन है वो निकल जाए और हमारा जो पनीर का टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक छन्नी लिया है, उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। आप देख सकते हैं इसका काफ़ी सारा वो निकल गया है पानी, और छेना अलग कर लिया है मैंने। अब इसको एक कपड़े में मैं ले लूँगी और उसको अच्छे से पानी उसका निकलने दूंगी। और निकालने के बाद इसको हम एक प्लेट पे ऐसे फैला के और फिर हम अच्छे से उसको रख देंगे। किसी भी भारी चीज़ को हमको उसके ऊपर रखना है। आप भारी चकला है तो उसको आप रख देंगे तो उससे पनीर अच्छा होगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा पनीर कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने खोल दिया है, और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा जो पनीर है वो जम चुका है। और अच्छे से आप देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा। इस तरह का ही तो मार्केट का होता है, तो उस तरह का एकदम परफेक्ट बन गया है। और अब हम इसे कट करके दिखाते हैं आपको कितना अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसको काट रही हूँ, और आप अपने मन चाहे आकार में काट सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। मैंने इसी तरह इस शेप में कट कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छा सा है और बिल्कुल मार्केट जैसा है, और सॉफ्ट भी है। और तो इसको हम एक बॉक्स में डाल के रख देंगे, और फिर हम इसका जो भी हमें बनाना हो हम बना सकते हैं। तो इस वाले पनीर से मैंने सोफिया पनीर बनाया था, और ये मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से ये मैंने बॉक्स में भर के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आसान है घर पे पनीर बनाना। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ भी ऐसा मिल नहीं पा रहा है, तो दूध अगर है, दूध तो अवेलेबल है, तो आप घर पे पनीर बना के पनीर की सब्जी बना सकते हैं आप। तो इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा, मैं वहाँ पर लिंक डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप कैसा लगा आपको मेरा पनीर बनाने का तरीका, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और मेहनत करें और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाएं। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर और स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।